नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या नाम पहचान वाले योगी के फैसले पर अब संसद में भी घमासान मचने वाला है, क्योंकि कल से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। सवाल ये भी है कि जो नेता कल तक इस्लाम में पैदा नहीं होने को बदकिस्मत बताते थे, वो आज नाम पहचान बताने पर इंसानियत का पाठ पढ़ाने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ के फैसले को एक तरफ से कई राज्यों में लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, जहां कल इस मामले में सुनवाई भी होने वाली है। दूसरी तरफ विपक्षी योगी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेता कोई फैसले को असंवैधानिक बता रहा है, तो कोई इसे मुसलमानों को टारगेट करने वाला बता रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2006 में नाम पहचान बताने का कानून लेकर आई, आज योगी के सरकार के फैसले पर वही सवाल खड़े कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले दुकान, होटल या ढाबा चालकों को अपनी दुकान का सही नाम और कारीगरों की पहचान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले ने देश का सियासी माहौल बदल दिया है। यूपी में इसे लागू तो कर ही दिया गया है, लेकिन अब योगी मॉडल की मांग दूसरे राज्यों में भी हो रही है। उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में भी योगी मॉडल को लागू करने की मांग तेजी से उठने लगी है। लेकिन वहीं योगी सरकार के इस फैसले का विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है। कोई इसे जर्मनी में नाजी के फैसले से तुलना कर रहा है, तो कोई इसे मुसलमानों के खिलाफ अन्याय बता रहा है। ताजा बयान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम का है। फिरहाद हकीम योगी सरकार के फैसले को मुसलमानों के साथ अन्याय बता रहे हैं। ये गलत है, ये अन्याय हो रहा है यूपी में। कौन मुसलमान, कौन हिंदू, ये क्यों हम लोग लगाएंगे? इंसान इंसान की सेवा करेंगे। कोई फ्रूट स्टॉल बेचेंगे तो वो इंसान है, इंसान के वो जिसका इच्छा होगा खरीदेगा, नहीं करेगा नहीं। वो धर्म का वहाँ नहीं खरीदेंगे, इस धर्म का खरीदेंगे, ये गलत हो रहा। यही हिंदुस्तान के कल्चर को, भारत के कल्चर को खराब कर रहा। इंसान और इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले ये वही फिरहाद हकीम है जो कुछ दिन पहले इस्लाम में पैदा नहीं होने वालों को बदकिस्मत बता रहे थे। सीधे सीधे इस्लामीकरण करने की बात कर रहे थे। कांवड़ यात्रा पर और किसने क्या कहा ये भी बताएंगे, लेकिन पहले फिरहाद हकीम का वो बयान सुनिए जो इसी महीने जुलाई के पहले हफ्ते में दिया गया। हमरा निजेरा मुस्लिम, मुस्लिम घरे जन्मेछि, मुसलमान घरे बड़ो हुएछि, आमादेर नमाज आदब कायदा सब आमादेर बेशिरभागि मानुषेर जाना, किन्तु जारा दुर्भाग्य निये जन्मेछे, जारा इस्लाम निये जन्मायनि, तादेर दावते इस्लाम अर्थात इस्लामे दावत दिए तादेर जो मध्ये नियत ईमान निये आसले एटा आल्लाह ताआलाके खुशी करा हबे। सिर्फ टीएमसी ही नहीं, पूरा विपक्ष योगी सरकार के फैसले के खिलाफ हमलावर है। विपक्ष इस मुद्दे को अब संसद में भी उठाने वाला है। आज सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। समाजवादी पार्टी तो योगी आदित्यनाथ के फैसले की तुलना जर्मनी में नाजी के फैसले से कर रही है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। कांवड़िया लोग हैं जो निकलेंगे, उस ग्रुप में तमाम लोग, बाहरी एंटी सोशल एलिमेंट भी घुस जाता है कई बार, वहाँ स्थानीय जो धर्म के नाम पर लोगों की दुकानों को भी लूट सकते हैं, लोगों की जानमाल को भी खतरा हो सकता है। और इस भय से कोई मुसलमान दुकान न लगाए, मनसा यही था और यही है। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से एक हस्तक्षेप करे। धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बायकॉट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में जो ऑर्डर्स निकाले गए यात्रा के वक्त, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है। नेम प्लेट पर ऑब्जेक्शन है,
कि नेम प्लेट लगाइए, तो मतलब अगर एक इशारा अगर माइनॉरिटी की तरफ है तो कल को कोई वाल्मीकि भी अगर लगा रहा है तो बोलेगा कि उसके खाना नहीं खाएंगे हम। तो हम लोग का तो जात पात से दूर होना चाहिए देश के हर लोगों को। भाई आप समाज को विभाजित करना चाहते हैं कि समाज को जोड़ना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसले में किसी समुदाय को काम करने से रोकने को नहीं कहा, बल्कि कांवड़ियों की आस्था को देखते हुए सभी से अपना नाम और पहचान बताकर कारोबार करने को कहा। तो फिर इसे समुदाय विशेष के साथ अन्याय से क्यों जोड़ा जा रहा? योगी सरकार के फैसले पर स्वामी रामदेव ने कहा कि अगर रामदेव को नाम बताने में दिक्कत नहीं हो रही तो रहमान को क्यों हो रही? जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं। सवाल यही है कि क्या विपक्ष मामले को इसलिए तूल दे रहा जिससे तुष्टीकरण की राजनीति की जा सके? नहीं तो योगी सरकार का ये फैसला कोई नया नहीं है। यूपी में नेम प्लेट वाला आदेश 2006 में तब लागू हुआ जब राज्य के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उस समय ये बिल पास हुआ। यूपी सरकार के 2006 के बिल में दुकानों के बाहर सख्ती पर सभी दुकानदारों, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों को अपना नाम, पता और लाइसेंस नंबर लिखने की बात कही गई थी। उस समय ग्राहकों की बेहतरी के लिए सामानों की लिस्ट भी सार्वजनिक करने की बात कही गई थी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक प्रत्येक रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक को अपनी फर्म का नाम, अपना नाम और लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य किया गया। जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत सूचना बोर्ड पर रेट लिस्ट लगाना भी अनिवार्य था। ऐसे में आज योगी सरकार के फैसले को जर्मनी में नाजी और हिटलर शाही का फैसला बताने वाले ये विरोधी दल तब क्यों ये कानून लेकर आए? क्या तब समुदाय विशेष से अन्याय नहीं हो रहा था? बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष अपने वोट बैंक के हिसाब से सियासत करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो सवाल तो यह है कि सच बता देना है, सच नाम का बता देना है, नेम प्लेट लगा देना है, अब इससे धार्मिक उन्माद कैसे फैलेगा ये बयान देने वाले नेता ही बताएंगे। लेकिन पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नाजिया इलाही खान अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक, हाफिज नूर अहमद अजारी साहब इस्लामिक स्कॉलर है, हाजी मेहरदीन रंगरेज जो कि MIM पार्टी के नेता है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत बादल देवनाथ जी आपसे करता हूं, और जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के नेता फिराद हकीम है, वो कह रहे हैं भाई अन्याय हो गया यूपी में, कहां हिंदू कहां मुसलमान, सब इंसान इंसान की दुकान। लेकिन भाई जब बंगाल में रहते हैं तब उन्हें हिंदू मुसलमान दिखने लगता है, तब वो कहते हैं जो हिंदू है वो बदकिस्मत है कि इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। नहीं नहीं, आपने जो फिराद हकीम का वक्त वो आप दिखा रहे, ये वो फिराद हकीम पार्टी के वरिष्ठ लीडर है, मेयर है, मिनिस्टर भी है, स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी है, लेकिन वो एक धार्मिक सभा में जो बात बोल दिया वो उनका निजी वक्तव्य है, कोई पार्टी का वक्तव्य नहीं है। और ममता दीदी ने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया उसके, और ममता दीदी ने, और जो आज भी जो सभा हुआ मैंने भी था, जल्दी जल्दी आपका प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पर चलाया आपको घर में चलाया, लेकिन ममता दीदी ने ये वक्तव्य नहीं था, ये पार्टी का वक्तव्य नहीं है। पार्टी सभी धर्मों को सम्मान करते, यही है पार्टी का वक्तव्य। ममता दीदी आज भी उनका वक्तव्य के माध्यम से बता दिया, पूरे देशवासी को बता दिया, हम सब। बादल देवनाथ जी, मैंने ये कभी कहा ही नहीं कि ममता बनर्जी ने ये बात कही है, मैंने कहा कि आपसे, मैंने फिराद हकीम को लेकर सवाल पूछा, आप कह रहे हैं एक निजी कार्यक्रम में था, धार्मिक कार्यक्रम में था, तो अरे धार्मिक कार्यक्रम में उस धर्म के लोगों की बात करते ना, अगर इस्लाम से जुड़े लोगों का कार्यक्रम था तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते, वहां पर ये क्यों कहने गए कि हिंदू बदकिस्मत है? मैं कोट कर रहा हूं कि हिंदू बदकिस्मत है कि वो इस्लाम में पैदा नहीं हुए, मैं कोट कर रहा हूं बादल देवनाथ। मैं फिर से मैं बोल रहा हूं, ये उनका निजी वक्तव्य है, ये पार्टी का वक्तव्य नहीं है, और एक धार्मिक सभा में जो कुछ बोल दिया है उनका वक्तव्य। मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन पार्टी तो मैं कह तो रहा हूँ। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो उन्होंने कहा यूपी के बारे में वो पार्टी का वक्तव्य है कि निजी बयान है? अभी जो उन्होंने कहा, जो हमारा गाइडलाइन है, पार्टी का लीडर, जो उन्होंने कहा फिराद हकीम ने कि यूपी में अन्याय हो रहा है, यूपी में अन्याय हो रहा है, ये पार्टी का बयान है कि निजी बयान है?
नहीं, यूपी में जो न्याय हो रहा है, इसका मतलब मैं क्यों बोला मुझे मुझे पता नहीं, लेकिन अरे मैं ये जो नेम प्लेट लगानी है, दुकानों की जो पहचान बतानी है, मैं बोल उस पर उन्होंने कहा है, बोलने दीजिए सर, प्लीज बोलने दीजिए, यूपी में न्याय हो रहा है मतलब किस बात पे न्याय हो रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ, ये उनका निजी वक्तव्य, पार्टी का कोई वक्तव्य नहीं है, और ममता दीदी अभिषेक बनर्जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। और अरे बादल देवनाथ जी, आपके एक नेता कह दें कि हिंदू बदकिस्मत है, आपके एक नेता कह दें कि हिंदू बदकिस्मत है कि इस्लाम में पैदा नहीं हुए, आपके एक नेता कह दें जो महिलाओं की सरेआम पिटाई हो जाए कि इस्लामिक राष्ट्र वाले कानून की सजा दी गई है, उसके तहत सजा दी गई, सबको आप कह दें कि ये निजी बयान है, निजी वक्तव्य है, ऐसे थोड़े नहीं होता है। आदत नहीं है, आप पहले सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन ही रहा हूँ सर, लेकिन आपको आईना दिखाकर सवाल भी कर रहा हूँ। और इसलिए अखिलेश यादव को ममता दीदी ने आज का सही सभा में शरण उनको याद किया और उनको बुलाया, और अखिलेश जी ने यहाँ पर भाषण भी दिया है। यूपी में अत्याचार हो रहा है, यूपी में 25 करोड़ लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए जो अरे सुनिए ना सुनिए, अखिलेश यादव को क्यों ममता बनर्जी ने बुलाया, इस पर डिबेट नहीं है। यूपी के करोड़ों लोगों के साथ क्या हो रहा है, इस पर भी नहीं। मैंने मैंने आपसे सवाल फिर बादल देवनाथ दोहरा रहा हूँ आपसे फिर बादल देवनाथ दोहरा रहा हूं कि कामड़ रूट पर दुकानों की पहचान बतानी है, नेम प्लेट बताना है, इसको फिराद हकीम अन्याय बता रहे हैं, ये कह रहे हैं इंसान की दुकान है, तो ये हिंदू मुसलमान की परिभाषा बंगाल से बाहर निकलते समझ में आती है क्या कि सब इंसान है? अब बंगाल में एक हिंदू एक मुसलमान है। मैं यही जवाब दूंगा, अभी भी मैं ममता दीदी का सैनिक हूं। अरे भाई, आप ममता दीदी के सैनिक है तो फिराद हकीम किसके सैनिक है? ममता दीदी का बयान, फिराद हकीम किसके सैनिक है? वो डीजे किसका सैनिक था जो सरेआम महिलाओं को मार रहा था? हमारा और डीजे को बचाने वाले कौन थे? मैं कह रहा हूँ वो किसके सैनिक थे? इसको लेके डिबेट करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, ये आप तय करेंगे बादल देवनाथ, किस पर डिबेट करना, किस पर डिबेट नहीं करना नहीं है, क्योंकि ये उनका निजी वक्तव्य है। अच्छा। और उत्तर प्रदेश में हर दिन अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश लोगों के लिए मतलब अत्याचार बंगाल से बाहर, और इसलिए जोगी जी मनीष शुक्ला जी अत्याचार की परिभाषा बंगाल से बाहर समझ में आती है, जीत हुई हिंदू कौन मुसलमान कौन, ये बंगाल में तो साफ जो है अलग कर देंगे कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, और हिंदू जो है वो बदकिस्मत है, लेकिन यूपी आएंगे तो कहेंगे सब इंसान है। नहीं, हिंदू हिंदू जो है वो सनातनी है, फिर आप जी को ये समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार, अरे भाई शांत हो जाइए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो पार्टी के मेयर और मिनिस्टर हैं जैसा आपने बताया, उनके बयान को आप डिसऑन कर दे रहे हैं। देखिए, दरअसल जो फियाद कह रहे हैं वही टीएमसी की असली सोच है, वही कट्टरता इनके रग रग में समाई हुई है। जो बंगाल में आजकल अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो दुकान प्रतिष्ठान आएंगे उनको प्रोप्राइटरशिप, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य किया गया है। जब यह अधिनियम बना था, अरे भाई शांत हो जाइए, लगातार नहीं बोलते हैं इस तरह से, ये बंगाल नहीं है, नेशनल चैनल है, इसमें सुनिए भी बात को, सुनिए और जरा सीख लीजिए पूरे देश से कि कैसे कानून और संविधान से सरकारें चला करती हैं। बंगाल की तरह की दुर्गा प्रतिमाओं पर रोक और मुहर्रम के जुलूसों को निकालने का आदेश, ये आपके सेकुलर मानसिकता है? अरे पूरा देश देख रहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में अत्याचार और अन्याय की प्रकाष्ठा हो रही है बंगाल में, और आप शिक्षा दे रहे हो सद्भाव की, आप शिक्षा दे रहे हैं सेकुलरिज्म की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार केवल कानून का पालन करा रही है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की मंशा है कि जो कांवड़ गंगा जल लेकर चले वो अपने आस्था के अनुसार आराध्य शिव को चढ़ा सके, सुचिता पूर्वक चढ़ा सके, इसके लिए इस अधिनियम के पालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। राजनीति समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये टीएमसी जैसे लोग कर रहे हैं, ठीक है मनीष जी, लेकिन देश की जनता भी समझ रही है, ठीक है, कि एक तरफ पराकाष्ठा है पुष्टिकरण की, एक तरफ कानून का पालन है, संविधान का पालन है। बोलिए बादल देवनाथ, एक लाइन बोल लीजिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं,
इनको पता नहीं है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उनका भाजपा का सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार महिला सुरक्षा बंगाल में कोई भी घटना घटती है इसका मतलब ये है ममता दीदी का शासन बिल्कुल ठीक नहीं है। ममता दीदी का शासन में उनकी बात में साथी में नहीं नहीं बादल देवनाथ जी बादल देवनाथ जी बादल देवनाथ जी अब सुनिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। लेकिन फिरहाद हकीम सरकार में मंत्री हैं वो बंगाल में ये कहने लगे कि हिंदू बदकिस्मत है कि इस्लाम में नहीं पैदा हुए हम बहुत किस्मत वाले हैं। नहीं नहीं तो सरकार के मंत्री है ना सर आपसे ऊंचा उनका कद है पार्टी में और सरकार में दोनों जगहों पर और कार्यकर्ताओं के बीच में भी लोगों के बीच में भी बादल देवनाथ जी तो पहले उनको जाकर समझाइए कि ऐसी बातें ना बोले। नहीं नहीं चलिए मैं आ रहा हूं सर मैं नहीं समझाऊंगा ये ममता नहीं तो समझाइए ना सर और नहीं तो क्या एक्शन हुआ अगर निजी बयान है पार्टी में मंत्री है सरकार में मंत्री है तो क्या एक्शन हुआ फिरहाद हकीम के खिलाफ क्या हकीम हुआ वो कहें कि ठीक है सभी मुसलमान भाग्यशाली हैं कि इस्लाम में पैदा हुए ये ठीक बात है लेकिन वो कहें कि हिंदू बदकिस्मत है कि इस्लाम में नहीं पैदा हुए ये ठीक लगता है आपको। और चलिए मैं हाजी मेहरदीन आपके पास आ रहा हूं मेहरदीन एक सवाल फिर मैं अजहरी साहब आपके पास आऊंगा। ओवैसी ने आज फिर कहा कि अनटचेबिलिटी बढ़ रही है असंवैधानिक फैसला है। 2006 में जब यह कानून बन गया था जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी यूपी में सपा की सरकार थी तब यह असंवैधानिक नहीं लगा था क्या? देखिए राकेश भाई जो सर ये जो हमारी जो सरकार है अगर संविधान के खिलाफ कोई आदेश पारित करती है तो भारत सरकार को उसको संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे आदेश जारी करना अनुच्छेद 17 के उल्लंघन है और वह छुआछात को भी बढ़ावा दे रहा है और जीवन के अधिकार के खिलाफ है। आप आजीविक के खिलाफ कल का कोई मुसलमान कहेगा कि रमजान में 30 दिन का उपवास होता है और 15 घंटे पानी नहीं पी हम नहीं पीते तो सबको पानी नहीं देना चाहिए ये सिर्फ नफरत की निशानी है और मुसलमानों के साथ खुल्लम खुल्ला भेदभाव है और मुसलमानों को सेकेंड क्लास सिटीजन किसी तरीके से बनाने की जो नहीं नहीं अरे मेहरदीन रंगरेज सवाल आपसे कुछ पूछा था जवाब कुछ आप देने लगे। ओवैसी ने जो बयान दिया था उसको आप लिख कर लाए हैं पहले वो आप पढ़ लेंगे। सवाल आपसे ये पूछा है कि 2006 में जब ये कानून बना था कि नेम प्लेट लगाएंगे जागो ग्राहक जागो इतना बड़ा लंबा कैंपेन चलेगा प्रोप्राइटर का नाम लिखना होगा तब यह संवैधानिक नहीं लगा था? नहीं नहीं 18 साल बीत गए राकेश भाई अगर आप भी कोई चीज का कोई लाइसेंस लेते हो तो उसमें बाकायदा सब डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। और अरे लाइसेंस के लिए नहीं भाई तब ये भी था कि दुकान पर लगाना होगा नेम प्लेट तो थोड़ा होमवर्क करके आया करिए मेहरदीन डंगरे लिखना। अरे भाई साहब पीछे लगाते हैं आप शायद अरे पीछे लगाते हैं ऑपरेटर अरे रुकिए ना रुकिए अच्छा रुकिए एक मनीष भाई एक सेकंड पीछे लगाते हैं कह रहे हैं पीछे किसको दिखाने के लिए लगाते हैं? अरे सर ये मैं जैसे मैं अब बैठा हूँ इसके पीछे कैश काउंटर ऊंचे पे लगा होता है शायद आपने। अरे तो आपके पीछे कौन देखेगा भाई कि मेहरदीन दंगरेज लिखा है कि राकेश पांडे लिखा है आगे लिखेंगे ना बड़ा बड़ा दुकान के आगे लिखेंगे तब पता चलेगा ना कि मेहरदीन की दुकान है कि राकेश पांडे की दुकान है। जब आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो कैश काउंटर पे आपको जाना पड़ता है फिर मेन्यू होता है ये तो अच्छा मैंने खाने के बाद पता चलेगा। नहीं नहीं मेहरदीन मतलब हम रेस्टोरेंट में गए पहले खाना खा लिए कैश काउंटर पर जब बिल देने गए तब पता चला हो भाई ये राकेश पांडे की नहीं मेहरदीन रंगरेज की दुकान है। देखिए आप जिस तरीके से आप इस देश का नैरेटिव सेट कर अरे मैं कहा नैरेटिव सेट कर रहा हूँ आपने कहा कि पीछे नाम लिखा हुआ। अरे सर आप आपके पास तो जो है मोदी जी के यहाँ से फरमान आ जाता है इन पर इन अरे फिर आप ये घिसा पीटा डायलॉग मत मारिए भाई मेहरदीन रंगरेज ये घिसा पीटा डायलॉग मत मारिए आपके पास से कहाँ से फरमान आता है तो वो छोड़ दीजिए मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ। तीन नफरती डिबेट की वजह से वहां से 500 लोगों को जो है हिंदू भाइयों के यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वहां पर ढाबों पर उनको निकाल दिया गया। अच्छा एक बात बताइए सुनिए मेहरदीन सुनिए नहीं एक मिनट रुकिए आप बहुत कह रहे हैं नफरती बातें। फिरहाद हकीम जिनकी हमने बाइट सुनाई है बंगाल सरकार में मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हिंदू बदकिस्मत है कि इस्लाम में पैदा नहीं हुआ ये ठीक लगता है आपको? मैं बदकिस्मत हूँ कि मुसलमान नहीं हूँ? देखिए उनका बयान है उनके प्रवक्ता तो इस पर आपने आलोचना की उनका बयान है तो मैं क्या कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात कोई बिल्कुल ठीक है मैं सहमत हूँ मेहरदीन आपकी बात से आप मुस्लिम हैं आप गौरवान्वित मुस्लिम हैं आपको होना भी चाहिए आप मुस्लिम हैं ये आपका सौभाग्य है लेकिन मैं मुस्लिम नहीं हूँ ये मेरा दुर्भाग्य कैसे हो सकता है?
देखिए इस तरीके के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, हम तो बार बार तो आपने आलोचना की, आपके आपके सबसे बड़े नेता ने आलोचना की, आपके सोशल मीडिया हैंडल पर एक बार भी कोई कुछ देखने को मिला है कि ये दीदी अपने इस मंत्री को समझाइए क्या बोल रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। देखिए राकेश भाई, हिंदू मुसलमान कौन करता है, ये जब जाहिर बात है। चलिए ना ना ठीक है, आप एक ही लाइन पर रहेंगे। आजारी साहब, आजारी साहब, बंगाल में हिंदू मुसलमान अलग अलग, जो है यूपी में आ गए तो इंसान है भाई, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये परिभाषा आपको ठीक लगती है क्या? रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए मेहरदीन, प्लीज रुक जाइए। देखिए बंगाल में अगर ऐसा हो रहा तो वहां भी गलत है, और यूपी में जो तरीका अपना रखा है वो भी। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आपको मुसलमानों को हटाना ही है तो इतना मतलब फसाद क्यों कर रहे हो, इतनी इतने इतने इतना जलील क्यों करना आप चाहते हो? आप डायरेक्ट कह दो मुसलमान अपनी दुकानें हटा लें, मुसलमान मुसलमान रास्ते से हट जाए, कावर यात्रा आ रही है, मुसलमानों के होने से यात्रा में कोई फर्क उसमें आ जाएगा, यात्रा नापाक हो जाएगी, कह दीजिए साहब। ये ड्रामाबाजी करने की जरूरत क्या है जो आप लोग कर रहे हैं? वो ठेले वाले पकौड़े वाले, उनको अपनी पहचान बना बताने की जरूरत है, और उनको नहीं है जरूरत। जो जो अलकबीर चला रहे हैं, जो अरबी रेस्पोर्ट चला रहे हैं, वो जो अन्नूर चला रहे हैं, मुसलमानों जैसे नाम है और उसका मालिक कोई और है। कम से कम थोड़ी बहुत इंसानियत रखी है, दूसरे को इंसानियत का पाठ पढ़ाने से पहले एक बार अपने अपने गिरवानों में झांक करके देख ले कि हम क्या कर रहे हैं। चारों तरफ से मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश के सिवा कुछ और है, कोई और दूसरा काम भी है? नहीं नहीं, आप इस बात पर जवाब दे देंगे, आपकी इस बात पर मनीष शुक्ला जवाब दे देंगे। एक मेरी छोटी सी बात और है अजय साहब, छोटी सी बात और है। बाबा रामदेव ने कहा कि रामदेव को नाम बताने में दिक्कत नहीं है, रहमान को नाम बताने में दिक्कत क्यों है? ये बाबा रामदेव का सवाल है, इसका भी जवाब दे दीजिए। नाम बताने में दिक्कत क्यों है? किसी को दिक्कत नहीं है, फिर दिक्कत दिक्कत सरकार के फरमान देने के तरीके पर है। क्या सरकार मुसलमानों को टारगेट करके? अच्छा, क्या तरीका होना चाहिए? क्या तरीका होना चाहिए? देखिए आप जिस तरह से सवाल जवाब करते हैं, एक बार आप ये बात उनसे ही पूछ ले। मैं पूछूंगा भी उनसे, मैं एकदम पूछूंगा, मुझे बस बता दीजिए क्या तरीका होना चाहिए था। एकदम पूछूंगा आजारी साहब, निश्चिंत रहिए, मुझे बस बता दीजिए कि तरीका क्या होना चाहिए था आदेश जारी होने का, वो भी मनीष भाई सुन ले। इस आदेश की जरूरत ही नहीं थी। अरे फिर आप कह रहे हैं तरीका अलग होना चाहिए था, आप कह रहे हैं आदेश की जरूरत ही नहीं थी, तो पहले तय कर लीजिए कि आदेश की जरूरत नहीं थी, ये कहना है या फिर ये कहना है कि तरीका गलत है। बंद हो जाएंगी, सुनिए कांवर यात्रा आएगी वो उसकी दुकानें हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। कांवर यात्रा आएगी तो अपना नाम बताना पड़ेगा, फलों की दुकानों पर लिखना पड़ेगा, ये कहां की तहजीब है? अच्छा, पहले आपके हिस्से का सवाल मैं मनीष जी से पूछ लेता हूँ। मनीष जी, सीधी सी बात है, जो अजहरी साहब कह रहे हैं कि भाई आपको दुकान मुसलमानों की हटानी, तो सीधे उखाड़ कर फेंक फाक दीजिए, या बोल दीजिए जब तक कांवर यात्रा है दुकान बंद कर दो भाई, नहीं रहेगी इस रूप पर मुसलमान की दुकान। देखिए राकेश जी, मुझे जितना समझ में आया, हाफिज साहब ये चाहते हैं कि आखिर कांवड़ के समय में ये आदेश क्यों हुआ है। इनकी मांग लगता है ये है कि चाहते हैं कि परमानेंट ये आदेश लागू हो जाना चाहिए। और 2006 में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार देश में थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तो हाफिज तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए, यदि नहीं कानून विभेदकारी लगता है लाते हो बातें, तो इनको चाहिए कि पहले अखिलेश यादव राहुल गांधी से पूछे कि आपकी सरकार ने ऐसा कानून क्यों पास किया था। हम तो कानून का पालन करा रहे हैं। दूसरी बात, केवल मुसलमानों को नहीं कहा गया है नाम लिखना है, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी प्रतिष्ठान और दुकान है, किसी भी धर्म के हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, ईसाई है, सबको प्रोप्राइटरशिप लिखना है और अपना नाम लिखना है, लाइसेंस का नंबर लिखना है, और नाम में छिपाना क्या है? आखिर ये पहचान छिपाने की और नाम छिपाने की वकालत इतनी निर्लज्जता से कैसे कर रहे हैं भाई? चिल्लाइए मत, चोर मत बचाइए। अरे अजहरी साहब, मैंने आपका सवाल सीधे टॉस कर दिया था। आप एक बार सरूर का जवाब दे लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा, बोल लीजिएगा।
30 सेकंड और मनीष शुक्ला को बोलने दीजिए, उसके बाद तुरंत आपके पास सुनेंगे नहीं। अगर ये जवाब सुन लेंगे, ये अगर जवाब सुन लेंगे तो कौम को भड़काएंगे कैसे? झूठ बोलकर कौम को भड़काते हैं। 2006 का अधिनियम है और किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्म के लोग जिनकी दुकान और प्रतिष्ठान है उनको सबको लिखना है। तो इसमें विभेद कहां से आता है, इसमें तुष्टिकरण कहां से आता है, इसमें धार्मिक एंगल कहां से आता है? को भी लिखना है, मुसलमान को भी लिखना है, जैन को। ठीक है मनीष जी, मनीष जी ठीक है सर। अजारी साहब आप अपनी बात रखिए। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि तरीका ठीक नहीं है, तो सर वो तरीका बता दीजिए कि आदेश कैसे लागू। आप पहले मेरी बात सुन लें। हाँ, उत्तर प्रदेश चाहते हैं कि परमानेंट आदेश लागू हो। अगर ऐसा होता मनीष जी, अभी आप ज्ञान दे रहे थे, अब आपको क्या हुआ? सुने हमारी बात भी ध्यान से। भारतीय जनता पार्टी हमारा ज्ञान लिया जब पूरा समाप्त हो गई, जमीन खिसक गई है। अभी तक ये राम मंदिर की मार्केटिंग करते अरे भाई जमीन खिसक गई है तो आप ताली बजाइए। अब ये लोग आप ताली बजाइए, जमीन खिसक गई है हमारी, इसी से खुश हो दीजिए। लेकिन कानून का तो पालन करना पड़ेगा। 2027 के चुनाव में इन्हें अपनी औकात माफी जी, कानून का पालन करना पड़ेगा और कानून और संविधान का पालन करना भी चाहिए। कानून याद आया, कहां से लाते हो ये ज्ञान? संविधान 2006 का नियम है। राहुल गांधी से पूछने की हिम्मत है आपको? आप तो कांग्रेस से पूछने की हिम्मत है? ठीक है, चुप हो गए, जवाब नहीं निकल रहा आपके मुंह से। मैं बादल देवनाथ जी, अभी आप थोड़ी देर पहले बहुत पार्टी के स्टैंड की बात कर रहे थे। एक यूपी में फैसला हुआ है कि भाई कांवड़ रूट पर जितने दुकानदार हैं किसी भी धर्म के हैं उनको अपनी प्रोप्राइटरशिप यानी जिसके भी नाम की दुकान है कौन चला रहा है वो आगे लिखना होगा। तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस फैसले पर? नहीं, ऐसा कोई स्टैंड तो पार्टी ने नहीं लिया पहले से। नहीं, पार्टी का स्टैंड मैंने पहले से कुछ नहीं कह सकता हूँ। पार्टी का स्टैंड ममता दीदी और पार्टी के वो सेंट्रल वर्किंग तो मैंने आपकी पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया है कि ये फैसला ठीक है कि गलत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं आपको कह सकता हूँ, लेकिन अपने मन से मैं कुछ कह दूंगा। मैं आज तक 30 साल में ऐसा बयान कुछ ऐसा कुछ टिप्पणी मैंने नहीं किया। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है ना इस फैसले पर? ये फैसला ठीक है, गलत है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हिंदू मुसलमान में भेद पैदा कर रहा है, समाज बट रहा है कि क्या हो रहा है? आप कुछ नहीं कहेंगे उसका टिप्पणी उसका वक्त में लेके मैं हाट नेशनल में मैं बोलता हूँ, लेकिन पहले से मैं कोई डिसीजन मैं नहीं दूंगा। नहीं नहीं, गजब है। आपकी नेत्री, तब मैं कुछ कह सकता हूं। सुनिए, आपकी सबसे बड़ी नेता नेत्री आज इन अखिलेश यादव जी के साथ बैठी थी, वो खुलकर इस फैसले के विरोध में है। आप कह रहे हैं कि फैसले पर पार्टी स्टैंड ही नहीं तय कर पाई, तो पार्टी किस रणनीति के लिए आगे बढ़ रही है सर? आप गजब की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा ठीक है, नेशनल चैनल पर ऐसा मत बोलिए। अरे आपने अभी कहा, मैंने कहा अपने मन से बोला, दिक्कत हो जाएगा। मैंने कहा बोला, आपने कहा बादल देवनाथ जी पार्टी का स्टैंड ही नहीं है। चलिए वक्त इतना ही है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, उधर रुक करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।